यह आंदोलन की शुरुआत है, एक सांकेतिक संदेश हम दे रहे हैं सरकार को कि आप अपने दमनकारी नीतियों को बंद कीजिए, जो शिक्षकों की बहुप्रतीक्षित चिन्ह प्रतीक्षित मांग है राजकर्मी का दर्जा उसको पूरा कीजिए, जो निलंबन की कार्रवाई की गई है 500 से अधिक शिक्षकों पर उसको वापस दीजिए, और ये उलूल जुलूल फैसले हैं छुट्टियां रद्द करने का ये सब वापस दीजिए। मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि जिसको दिक्कत है हमसे आके बात कीजिए, लेकिन उन तक लोग पहुंचे कैसे? वो एक आमंत्रण भेजे शिक्षक संघों को कि हाँ भाई जो बात करना चाहते हैं आइए हम बात करेंगे स्वयं, तो वो तो बात करते नहीं है। जिस मीडिया में कहते हैं कि जिनको दिक्कत हो वो हमसे आके बात करें, कैसे जाए उनसे बात करने? तो बुद्ध जी का है ना, बुद्ध भगवान का वो कहावत कि वीणा के तार को इतना भी मत कसिए कि टूट जाएगा। तो पाठक जी जो है सरकार के सारे पे शिक्षकों को इतना ज्यादा कस रहे हैं, अब ये टूट जाएगा, ये व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी और विद्यालय ठप पड़ जाएंगे। ये लोग तो जो सरकार में पूरे देश में घूम घूम करके बताते हैं कि भाई तानाशाही हिटलर शाही फांसीवाद से हमको लड़ना है, तो लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो पूरे देश में संविधान बचाएंगे और बिहार में संविधान की हत्या होगी, लोकतंत्र की हत्या होगी। लेकिन कोई अगर ये सोच रहे थे कि डर के हमारे शिक्षक संगठन चुप बैठे थे, तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। शिक्षक संगठन डर नहीं रहे थे, शिक्षक संगठन लड़ने की तैयारी कर रहे थे। एक कहते हैं ना कि तूफान से पहले की खामोशी थी ये 2 महीने। हर जिले में जहां कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ विरोध का बात कर रहा है, तो निलंबित कर देगा। तो इसके खिलाफ अब शिक्षक संघों ने तय किया कि हम चुप नहीं बैठेंगे, हम भी अपना विरोध दर्ज कराएंगे। और इसी सिलसिले में हमारा पहला जो विरोध प्रदर्शन है वो 5 सितंबर यानी कि कल के दिन होगा। सदन के अंदर सदन के बाहर सब जगह आश्वासन दिया था कि सरकार जो राज्यकर्मी की मांग है उसको सकारात्मक विचार करके जल्द ही निर्णय लेगी। लेकिन 2 महीने बीत गए और राज्यकर्मी के मुद्दे पर तो कोई निर्णय नहीं हुआ, उल्टे कार्रवाई पर कार्रवाई हो रही है। गहरी साजिश है कि नीतीश जी ने ये ठान लिया है कि महागठबंधन का राजद का जो एक नया वोट बैंक जो किसी जातीय समीकरण से हट करके एक वोट बैंक क्रिएट हुआ था, उस वोट बैंक को राजद से दूर किया जा रहा है, छीना जा रहा है। कहीं कहीं विद्यालयों में प्रधानाध्यापक को शिक्षकों को बेकार में तंग किया जा रहा है, अनावश्यक उन पर दबाव बनाया जा रहा है। एक कहिए कि अभी एक विद्यालय में जांच में गए थे पदाधिकारी, वहां पे कहा क्या कि आपने शौचालय गलत जगह बनवा दिया है। भाई पहले कोई रोडमैप नहीं था, कोई गाइडलाइन नहीं था, अब उसके नाम पर उनका कार्रवाई की बात होती है और कार्रवाई को फिर मैनेज करने के लिए पैसे का खेल होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेश पुरी। बिहार में शिक्षक काफी नाराज हैं। नाराज होने का कारण है एक तो उनका बहु प्रतीक्षित मांग जो है राज्यकर्मी का दर्जा देने का, उस पर सरकार जो है कोई भी सकारात्मक अभी तक कदम नहीं उठाई है, और दूसरा है के पाठक के द्वारा की जा रही कार्रवाइयां। आपको बता दें छुट्टियों में कटौती की गई, फिर से जो कार्य सौंपे गए हैं जिस कबाड़ बेचना, बोरा बेचना, इन सब चीजों से जो शिक्षक हैं वो अब काफी त्रस्त हो गए हैं। और कल एक बैठक हुई प्राथमिक से लेकर प्लस टू तक के शिक्षक संघों की पटना में, और निर्णय लिया गया कि सरकार के सामने विरोध, अपना जो विरोध प्रदर्शन है उसे दर्ज कराया जाएगा, और सरकार नहीं सुनवाई करती है तो एक व्यापक आंदोलन सरकार के खिलाफ हो सकता है। हमारे साथ हैं टीटी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम जी, और आपको हम बता दें कि ये लोग जो हैं लगातार राज्य कर्मी के दर्जा को लेकर आवाज़ बुलंद करते रहे हैं, इन्हीं से बात करते हैं। कल बैठक में क्या निर्णय लिया गया और क्या तालाबंदी की भी संभावना बन रही है? देखिए, कल बैठक में निर्णय लिया गया कि सरकार के जो दमनकारी कदम हैं, जो आदेश एक पर एक आ रहे हैं, उसका विरोध करना है। क्योंकि अभी तक जो 11 जुलाई के बाद से हम लोगों ने कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया, हम लोग शांति से चुपचाप बैठे थे, इस उम्मीद में बैठे थे कि सरकार हमारी बातों को संज्ञान में लेगी। और चूंकि उनके मंत्री ने भी, वरिष्ठ मंत्री ने सदन के अंदर सदन के बाहर सब जगह आश्वासन दिया था कि सरकार जो राज्यकर्मी की मांग है उस पर सकारात्मक विचार करके जल्द ही निर्णय लेगी, लेकिन 2 महीने बीत गए और राज्यकर्मी के मुद्दे पर तो कोई निर्णय नहीं हुआ, उल्टे कार्रवाई पर कार्रवाई हो रही है। पहले फेज में तो 500 से अधिक शिक्षक निलंबित कर दिए गए, उसके बाद अब जहां कोई शिक्षक कुछ बोल रहा है, आपने खगड़िया का एक वीडियो देखा होगा, एक शिक्षक साथी बेचारे अपनी बहन से राखी बंधवाने नहीं जा सके, तो भागलपुर से उनकी बहन खगड़िया आकर के उनके विद्यालय में उनको राखी बांधी, इस बात से वो आक्रोशित हो गए। और आक्रोश में, आवेग में उन्होंने, चूंकि मानसिक पीड़ा थी, प्रताड़ना एक उनको महसूस हो रहा था, उस आवेश में उन्होंने कुछ कह दिया, अब उसको आधार बना करके उनको भी निलंबित कर दिया गया है। और हर जिले में जहां कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ विरोध का बात कर रहा है, उसको निलंबित कर दिया जाता है। तो इसके खिलाफ अब शिक्षक संघों ने तय किया कि हम चुप नहीं बैठेंगे, हम भी अपना विरोध दर्ज कराएंगे। और इसी सिलसिले में हमारा पहला जो विरोध प्रदर्शन है वो 5 सितंबर यानी कि कल के दिन होगा, जिस दिन हम काली पट्टी अपनी बाहों पर बांध करके पूरे बिहार के 76,000 विद्यालयों में
विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और बच्चों को बताया जाएगा, जब हम काली पट्टी बांध करके पढ़ाएंगे बच्चों को, क्योंकि अपना अध्यापन कार्य नहीं छोड़ना है, कल शिक्षक दिवस है और उस दिन हम अपना अध्यापन कार्य करेंगे, अपने कर्तव्य को निर्वहन करेंगे, लेकिन जब बच्चे पूछेंगे कि काली पट्टी क्यों है वहां पर, तो हम बताएंगे कि सरकार किस तरीके से शिक्षकों का शोषण कर रही है और अब तो छात्रों का भी शोषण करने लगी है। उनके पर्व त्योहार पर छुट्टियां नहीं दी जा रही हैं, रक्षाबंधन हो गया, जन्माष्टमी है और आने वाले दुर्गा पूजा छठ पूजा में छुट्टियां काटी जा रही हैं, तो इन सब के खिलाफ हम लोग उनको भी जागरूक करेंगे और उनके जो अभिभावक होंगे उनको भी जागरूक करेंगे, ये पहला होगा। और 9 तारीख को सभी प्रखंड मुख्यालयों को, 600 से अधिक प्रखंड मुख्यालय हैं, सभी जगह हम लोग पुतला दहन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी का, दोनों के खिलाफ शिक्षकों में बहुत आक्रोश है और इस आक्रोश का प्रदर्शन जरूरी है, क्योंकि शिक्षकों का गुस्सा उबल रहा है, तो इस गुस्से का एक प्रदर्शन होना चाहिए, इसी के लिए हम लोग 9 सितंबर को इसका पुतला दहन करके हम लोग विरोध अपना दर्ज कराएंगे। और अमित जी, हाँ अमित जी, आप विरोध प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, सरकार पर तमाशाही की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार ध्यान नहीं दे रहे हैं इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन परसों ही नीतीश कुमार ने कहा कि जो KK पाठक कर रहे हैं सही काम चल रहा है, इसके साथ साथ कल राजद ऑफिस में भी अध्यापकों से संबंधित एक बैठक थी और उसमें भी ये कहा गया कि शिक्षा में सुधार हो रहा है, जो कदम उठाए जा रहे हैं वो अच्छे हैं, यानी कि जो KK पाठक की कार्रवाइयाँ हैं, क्या उनको पूरा समर्थन या आदेश मिला हुआ है सरकार लेवल पर, और क्या ये आदेश प्रताड़ना के रूप में है? बिल्कुल, देखिए हम लोग इस बात को कल बैठक में बहुत गंभीर चर्चा हुई कि आखिर KK पाठक जी जो कार्रवाई कर रहे हैं इसके पीछे क्या उद्देश्य है। तो हम लोगों की सबकी एक मत राय यही थी कि उद्देश्य केवल और केवल शिक्षकों को प्रताड़ित करना है और ये सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वो अपने मनमाने ढंग से कर रहे, अगर ऐसा कर रहे होते तो छुट्टियों की कटौती की बात थी, जो निलंबन की कार्रवाई थी उसको सरकार कुछ कदम उठाती, एक और वो उनके प्रवक्ता हैं, उनके वरिष्ठ मंत्री हैं, कहते हैं कि सकारात्मक बात हो रही है, सकारात्मक दिशा में काम हो रहा, तो निलंबन की कार्रवाई तो कम से कम वापस कर लेते वो, और ये जो छुट्टियों में कटौती इसको वापस लेते, लेकिन नहीं, मुख्यमंत्री जी और राजद के नेतागण कहते हैं कि नहीं, जो हो रहा है सही हो रहा है। तो इसका स्पष्ट मतलब है कि दोनों के शह पे हो रहा है, राजद और जदयू के शह पे हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सबकी सहमति से ये हो रहा है, जो शिक्षकों का शोषण है प्रताड़ना है सबकी सहमति से हो रहा है और ये ही आगे चल करके बिहार में शिक्षकों का एक पुनः। लेकिन अमित जी ये कारण क्या है, आखिर इतना देखा जाए तो आप बहुत बड़ी संख्या है आप लोगों की, 4 लाख के आसपास संख्या है, अगर राजनीतिक दल इसे वोटर के रूप में भी देखे तो आप लोग डायरेक्ट 4 लाख है और इनडायरेक्टली देखा जाए तो 15 से 20 लाख आप वोट को प्रभावित करते हैं। आपकी ड्यूटी जो है वो मतदान केंद्रों पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के रूप में होती है, वहां पर भी आप इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं जैसे कि बातें निकल के आती है, आखिर इतने बड़े वर्ग से और सरकार के ही आप लोग अंग हैं, उनसे इतना नाराजगी मोह भंग प्रताड़ित करने का कार्रवाई क्यों आती? देखिए इसमें बहुत गहरी राजनीतिक साजिश हमें मालूम पड़ती है, ये सबको पता है कि 2020 के चुनाव में शिक्षकों ने, उनके परिजनों ने, उनके दोस्तों ने, सबने एक मुश्त वोट राजद और महागठबंधन के जो अन सहयोगी कांग्रेस भाकपा माले सबको तो किया। फिर राजद का समर्थन क्यों? यही मैं बताना चाह रहा हूँ, तो गहरी साजिश है कि नीतीश जी ने ये ठान लिया है कि महागठबंधन का, राजद का जो एक नया वोट बैंक जो किसी जातीय समीकरण से हट करके एक वोट बैंक क्रिएट हुआ था, जो मान लीजिए कि अगर 20 लाख भी है तो हर मतलब एक विधानसभा क्षेत्र में 10,000 की संख्या में एक वोटर है जो किसी जाति धर्म के आधार पर नहीं बल्कि अपने हितों की रक्षा के लिए वोट करेगा, तो एक नया वोट बैंक क्रिएट हुआ था राजद के लिए, उस वोट बैंक को राजद से दूर किया जा रहा है, छीना जा रहा है। अफसोस की बात है कि राजद इस बात को समझ नहीं पा रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि ये सब कार्रवाई करा करके हमारा बड़ा नाम हो रहा है, शिक्षकों को प्रताड़ित करके दंडित करके रोज अखबार में बड़ी बड़ी सुर्खियां बन रही है, जनता में बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है, ये गलत है, जनता में कोई अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है, ये एक भ्रम की स्थिति है जहां की ये सरकार सोची कि जनता में अच्छा मैसेज जा रहा है। ये जो छुट्टियां काटी गई, जो हिंदुओं के पर्व त्योहार की छुट्टियां, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, छठ, दशहरा की छुट्टी काटी गई है, इससे बहुत गलत मैसेज जा रहा है, ये समाज में संदेश जा रहा है और इसमें जो विपक्षी दल हैं बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, वो बढ़ चढ़ के कह रहे हैं कि हाँ भाई इनके पर्व त्योहार कटौती हुई है, सिर्फ शिक्षक की नहीं हुई कटौती, बच्चों की भी कटौती हुई, तो समाज में बड़ा नकारात्मक संदेश जा रहा है, बच्चों के नाम काटने का आदेश निकल रहा है। यहाँ पे असंख्य ऐसे विद्यालय हैं, खास करके हाई स्कूल और प्लस टू, जहाँ पे कि शिक्षक नहीं है, तो बच्चे अभाव में, शिक्षकों के अभाव के कारण कोचिंग में पढ़ने जाते हैं, पटना में या अपने जिला मुख्यालय में कोचिंग में रह करके वहाँ पढ़ते हैं,
उनका कह रहा है कि नाम काटिए, विद्यालय नहीं आ रहे उनका नाम काटिए। भाई जब आपने इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलप नहीं किया, शिक्षक की नियुक्ति नहीं की, जबरदस्ती वो आकर के क्या करेंगे? जब विज्ञान का शिक्षक ही नहीं विद्यालय में, तो एक विज्ञान का आईएससी का छात्र विद्यालय जाके क्या करेगा? तो नहीं जाता था। अब आदेश निकला कि उनका नाम काटिए, तो नाम काटने से नुकसान किसका होगा? उन बच्चों का होगा जो किसी स्कूल में नाम लिखा करके पटना या कोटा जैसे शहरों में कोचिंग की तैयारी करते हैं, और बड़ी संख्या में निम्न मध्यवर्गीय परिवार जो है उनके बच्चे सरकारी स्कूल में नाम लिखा करके कोचिंग संस्थान से तैयारी करते हैं। और इसमें दोष उनका नहीं है, दोष तो सरकार का है कि प्लस टू स्कूल आपने खोल दिया, वहां पे जो है कि शिक्षक नहीं है, साइंस के टीचर नहीं है, फिजिक्स नहीं है, मैथ नहीं है, तो क्यों जाएगा छात्र? ये बातें भी अब जनता धीरे धीरे समझ रही है कि शिक्षकों पे कार्रवाई करके सिर्फ बातों को ढका जा रहा है, असली बीमारी को छुपाया जा रहा है, असली समस्या को जनता की नजरों से ढक करके रखने का प्रयास है शिक्षकों पर कार्रवाई। और ये शिक्षक भी अब समाज में जाकर के बताएंगे इस बात को, समाज में जाकर के इस बात को बच्चों को उनके अभिभावक को बताएंगे कि आपका नाम काटने का आदेश निकला है, 50% से कम उपस्थिति होगी या 3 दिन नहीं आएंगे तो जो जो बच्चे नहीं आते उनका नाम काटा जाएगा। इसका आक्रोश, जन आक्रोश दिखेगा। अमित जी, कल मैं एक इंटरव्यू कर रहा था जो अखिल भारतीय शैक्षिक संघ के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं शैलेंद्र कुमार शर्मा और सैलू जी जी, और उन्होंने अपने वीडियो में कहा कि शिक्षा विभाग जो है ये निरीक्षण के नाम पर जो अधिकारी हैं वसूली कर रहे हैं जी, और वसूली हो भी रहा है जी, उन्होंने कैमरे पर दावा किया, क्या आपको भी ऐसी सूचना मिली है? क्या इसका मिसयूज हो रहा है? देखिए, मिसयूज तो बिल्कुल हो रहा है। जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा वहाँ ब्यूरोक्रेसी के करप्ट होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि अभी तक देखिए जो जाँच की प्रक्रिया है वो एक फिजिकल है, भौतिक है। कोई विद्यालय में कोई पदाधिकारी गए, वहाँ शिक्षक आए हैं कि नहीं आए हैं, समय है या क्या दुरुस्त है नहीं है, इस नाम पर जो है कि वो स्वयं निरीक्षण करके रिपोर्ट देते हैं। और ये बिहार में पदाधिकारियों की जो समस्या है भ्रष्टाचार की, ये किसी से छिपी नहीं है, गाय बगाए हम लोग अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि इतने करोड़ इतने लाख यहाँ छापे पड़े पकड़ाए गए, तो शिक्षा विभाग के पदाधिकारी भी इससे कोई अलग नहीं है, जुदा नहीं है। तो ऐसी संभावना है और इस तरह की खबरें मिलती भी हैं कि कहीं कहीं विद्यालयों में प्रधानाध्यापक को शिक्षकों को बेकार में तंग किया जा रहा है, अनावश्यक उन पर दबाव बनाया जा रहा है। एक कहिए कि अभी एक विद्यालय में जांच में गए थे पदाधिकारी, वहां पे कहा क्या कि आपने शौचालय गलत जगह बनवा दिया है। भाई पहले कोई रोड मैप नहीं था, कोई गाइडलाइन नहीं था, तो प्रधानाध्यापक को जिस जगह पर विद्यालय में उचित लगता था कि छात्रों के लिए सुविधाजनक जगह है वहां बनवाया जाता था, अब उसके नाम पर उन पर कार्रवाई की बात होती है, और कार्रवाई को फिर मैनेज करने के लिए पैसे का खेल होता है। ये पूरी संभावना है और इस तरह के छिटपुट खबरें हमें मिलती हैं। हालांकि शिक्षक डर के मारे, भय के कारण, पदाधिकारियों के भय के कारण कुछ खुल के नहीं बोलते हैं, लेकिन इस बात में कहीं ना कहीं सच्चाई है और इसका भी हम लोग चाहते हैं कि निराकरण हो। इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं उससे शिक्षकों को डर और भय के माहौल में आप क्रिएट करके उनसे आप बेहतर काम नहीं करा पाएंगे, क्योंकि जो शिक्षक डरा रहेगा वो बच्चों को फन लर्निंग, क्रिएटिव लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग ये सब कैसे देगा? डरा हुआ शिक्षक कैसे बच्चे को शिक्षा देगा? अमित जी, आप लोगों ने कल बैठक किया और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया, तो क्या आपको लगता है कि सरकार जब ये कदम उठा रही होगी तो उन्हें पता होगा कि आप लोग का विरोध होगा जी, तो क्या कल काली पट्टी बांधने से, पुतला दहन करने से क्या लगता है कि ये सरकार आप लोगों के सामने घुटने टेक देगी? देखिए, शुरुआत है, ये आंदोलन की शुरुआत है, एक सांकेतिक संदेश हम दे रहे हैं सरकार को कि आप अपने दमनकारी नीतियों को बंद कीजिए, जो शिक्षकों की बहुप्रतीक्षित प्रतीक्षित मांग है राजकर्मी का दर्जा उसको पूरा कीजिए, जो निलंबन की कार्रवाई की गई है 500 से अधिक शिक्षकों पर उसको वापस दीजिए, और ये उलूल जुलूल फैसले हैं छुट्टियां रद्द करने का ये सब वापस ले लीजिए, तब जाकर के हम शिक्षक पूरे मनोयोग से अध्यापन कार्य करेंगे। अन्यथा की स्थिति में ये शिक्षा व्यवस्था जो है ये चरमरा जाएगी, ये जो विद्यालय का संचालन है ये ध्वस्त हो जाएगा और हड़ताल की भी संभावना बन गई। कल बैठक में हड़ताल पर बहुत बड़ी चर्चा हुई, लेकिन सबकी इच्छा थी कि नहीं पहले सरकार को एक अल्टीमेटम दिया जाए, सांकेतिक प्रदर्शन किए जाएं कि सरकार तक संदेश पहुंचे। मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि जिसको दिक्कत है हमसे आके बात कीजिए, लेकिन उन तक लोग पहुंचे कैसे? वो एक आमंत्रण भेजे शिक्षक संघों को कि हाँ भाई जो बात करना चाहते हैं आइए हम बात करेंगे स्वयं, वो तो बात करते नहीं है, सिर्फ मीडिया में कहते हैं कि जिनको दिक्कत हो वो हमसे आके बात करें। कैसे जाए उनसे बात करने? क्या एक अन्य मार्ग हम पहुंचेंगे, हमको मुख्यमंत्री जी बुला के मिल लेंगे? ऐसा तो होता नहीं है। आमंत्रण पत्र भेजें वो शिक्षक संघों को, और इसीलिए हम लोग ये जो प्रदर्शन करें ये सांकेतिक है, ये बताने के लिए सरकार को कि हम नाराज हैं और शिक्षक नाराज हैं, तो इसको लेकर के आप जल्द से जल्द समाधान निकालिए।
नहीं, हड़ताल के विकल्प पर भी कल चर्चा हुई है, लेकिन अभी उस पर एक अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। अगली बैठक में हम इस मुद्दे पर भी अंतिम निर्णय लेंगे, और जब हड़ताल हो जाएगी तो आप सोचिए पूरी शिक्षा व्यवस्था ठप हो जाएगी। वो बुद्ध जी का है ना, बुद्ध भगवान का वो कहावत कि वीणा के तार को इतना भी मत कसिए कि टूट जाएगा। तो पाठक जी जो है सरकार के सारे पे शिक्षकों को इतना ज्यादा कस रहे हैं, अब ये टूट जाएगा, ये व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी और विद्यालय ठप पड़ जाएंगे। तो फिर फरमान निकाल देंगे, फरमान देखिए जो ना हड़ताल करेंगे उनको नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा, देखा जाएगा। ये लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलता है, बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान है, राजेंद्र प्रसाद जी का बनाया हुआ संविधान है, उससे चलता है, किसी पदाधिकारी या सरकार की मनमानी से नहीं चलता है। और ये लोग तो जो सरकार में पूरे देश में घूम घूम करके बताते हैं कि भाई तानाशाही, हिटलर शाही, फांसीवाद से हमको लड़ना है, तो लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो पूरे देश में संविधान बचाएंगे और बिहार में संविधान की हत्या होगी, लोकतंत्र की हत्या होगी, ये तो मुनासिब नहीं है। उस स्थिति में हम संविधान के शरण में जाएंगे, संविधान का संरक्षक हाईकोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इनका मनमानी कार्रवाई से कोई डर नहीं रहा है। हम लोग चुप इसलिए बैठे थे, हमें उम्मीद थी कि सरकार बातों को समझेगी और एक सकारात्मक निर्णय लेगी, लेकिन कोई अगर ये सोच रहे थे कि डर के हमारे शिक्षक संगठन चुप बैठे थे, तो ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है। शिक्षक संगठन डर नहीं रहे थे, शिक्षक संगठन लड़ने की तैयारी कर रहे थे। एक कहते हैं ना कि तूफान से पहले की खामोशी थी ये दो महीने, हम इंतजार में थे सरकार कुछ करे, सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, और अब आंदोलन का बिगुल फूका जा चुका है। शिक्षकों से हम अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इन आंदोलनों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, पूरे बिहार में इस आंदोलन को सफल बनाइए, ताकि सरकार को संदेश जाए कि एक एक शिक्षक न किसी जाति, धर्म, संघ, संगठन, पार्टी, किसी चीज़ में नहीं बटा है, उस शिक्षक एकजुट होकर के आंदोलन करेंगे, सरकार पर दबाव बनेगा और हम लोग अगली बैठक में हड़ताल पर भी निर्णय लेंगे। इसलिए शिक्षक भी तैयार हो जाए आंदोलन के लिए, और सरकार भी इस बात को समझ ले, कोई संघ संगठन शिक्षक कोई आपसे डर नहीं रहा है, आपने निलंबित किया है फिर भी हम आंदोलन करेंगे, आपकी इच्छा है बर्खास्तगी का वो भी चिट्ठी निकाल के देख लीजिए, हम डरने वाले नहीं हैं, हम आंदोलन करेंगे और आंदोलन को परिणाम तक पहुंचाएंगे, हमें राजकर्मी का दर्जा लेना है और हम लेकर रहेंगे। तो राजकर्मी का दर्जा लेना है और लेकर रहेंगे, इसको लेकर बता दें आपको कि हम बिहार के जितने भी शिक्षक संघ हैं कमर कस चुके हैं, और उनका जो विरोध दर्ज कराने का जो प्रक्रिया है कल से यानी कि शिक्षक दिवस के दिन से शुरू होगा, शुरू में सांकेतिक है, अगर सरकार का रुख जो है नरम नहीं हुआ या फिर इनकी मांगों पर विचार करने या देने को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो हो सकता है कि आगे शिक्षक जो है वो कड़ा रुख सरकार के प्रति अपनाए और ये हड़ताल की सूरत में देखने को मिल सकता है, जहाँ पर बिहार में अभी के पाठक सभी स्कूलों को सही तरीके से रन कराने की कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, तो वही शिक्षकों का कहना है कि सारे स्कूल भी बंद हो सकते हैं अगर यही कार्रवाइयाँ जारी रही तो। देखिए आगे क्या होता है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।